हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फी, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। कांग्रेस की लिस्ट को लेकर के अभी भी समय लग रहा है। जी हां, हम आपको बता दें कि कांग्रेस हरियाणा की 3 सीटों पर पूरी तरह से फंसी हुई है और उसको लेकर के जो है देरी है वो चल रही है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि 9 सीटों पर 6 सीटों पे जो पेच था वो हल हो गया है, वो निकल गया है, लेकिन अब 3 सीटों पर जो है पेच लगातार फंस रहा है और उन सीटों को लेकर के आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि हमने आपको पहली कई वीडियो में ये दिखाया था कि कुमारी शैलजा है वो सिरसा से चुनाव लड़ेंगी और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी चुनाव लड़े। और हमने आपको ये भी बताया था कि रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि उसके बाद जो है कई तरह के अपडेट और कई तरह की जो है हाईकमान ने भी उस पर विचार किया, लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा ही चुनाव लड़ेंगे। और चूंकि अब सिरसा से जो चर्चा थी कि कुमारी शैलजा चुनाव लड़ेंगी, ये भी बिल्कुल ठीक है कि कुमारी शैलजा ही सिरसा से प्रत्याशी होंगी, लेकिन अब जो पेच है वो 3 सीटों पर है, खास करके जो जाटलैंड कहा जाता है, हिसार और भिवानी और सोनीपत, इन 3 सीटों पर पेच है वो पूरी तरह से फंसा हुआ है। हिसार को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। हिसार में जहां पर हाईकमान ये चाह रही थी कि बृजेंद्र सिंह है उनको चुनाव लड़ाया जाए क्योंकि वो सबसे पहले बीजेपी से सांसद और उन्होंने बीजेपी छोड़कर के कांग्रेस का दामन थामा था, उस लिहाज से ये कमिटमेंट भी किया गया था। जो जानकारी आ रही है कि बृजेंद्र सिंह को हिसार से चुनाव लड़ाया जाएगा और आपने देखा होगा कि किस तरह से एक ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था बृजेंद्र सिंह के पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह की, जिन्होंने ये कहा था कि सोनीपत में नहीं हिसार में चुनाव है वो लड़ेंगे। और अब कुमारी शैलजा हैं वो ये कह रही हैं कि सोनीपत से बृजेंद्र सिंह हैं उनको चुनाव है वो लड़ाया जा सकता है, जबकि हिसार से चंद्रमोहन हैं उनको चुनाव है वो लड़ाया जाए ताकि हिसार की सीट को जीता जाए। इसके साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो ये कह रहे हैं कि जयप्रकाश जेपी है उसको यहाँ पर चुनाव लड़ाया जाए हिसार में, क्योंकि जयप्रकाश है उन्होंने आदमपुर से चुनाव लड़ा और वो इस इलाके में एक्टिव रहे हैं और कई बार सांसद भी रहे हैं हिसार से। चंद्रमोहन है वो हिसार लोकसभा सीट पर एक्टिव नहीं है, उन्होंने पंचकूला कालका हैं उस बैलेट में राजनीति की है, ये फैक्ट है वो सामने आ रहा है। लेकिन अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा है वो आमने सामने हो गई हैं हिसार की सीट को लेकर के। और इसके साथ साथ जब बात नॉन जाट की आ रही है, फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि चंद्रमोहन की बजाय नॉन जाट को ही टिकट देना है तो फिर हिसार से रिटायर्ड IAS चंद्र प्रकाश जांगड़ा या प्रजापत समाज के रामनिवास घोड़ेला है उनको टिकट है दिया जा सकता है। हिसार में अभी ये पेच है और हाईकमान ये चाह रही है कि हिसार से बृजेंद्र सिंह है उसको चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन अब एक बीच का रास्ता है वो निकाला जा रहा है कि बृजेंद्र सिंह को हिसार से सोनीपत शिफ्ट है वो किया जा सकता है, क्योंकि सोनीपत लोकसभा क्षेत्र है उसमें जींद जुलाना ये जो इलाका आता है और वहाँ से चौधरी वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह है उनका क्लेम वो बन रहा है, क्योंकि हिसार में उनकी खिलाफत है ये भी बड़ी बात है, क्योंकि बीजेपी से सांसद रहे और इस इलाके में क्योंकि किसान आंदोलन एक्टिव था तो यहाँ पर लोगों का एक गुस्सा ये है कि बृजेंद्र सिंह है वो उनके बीच नहीं आए, ना ही उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाया। और कांग्रेस ये चाह रही है कि कहीं इस बात का नुकसान कांग्रेस को ना हो जाए, तो फिलहाल बृजेंद्र सिंह है उनको सोनीपत में शिफ्ट किया जा सकता है, ये बड़ी अपडेट है जो आ रही है। इसके साथ साथ चूँकि सोनीपत से पहले ये चर्चा थी कि वहाँ पर ब्राह्मण चेहरा है वो उतारा जा सके, बीजेपी ने वहाँ पर जो है मोहनलाल बड़ोली है उसको चुनावी मैदान में उतारा है और
अब कांग्रेस ये चाह रही है कि इस सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से जाट चेहरा है वो चुनावी मैदान में उतारा जाए, क्योंकि अगर ब्राह्मण यहाँ पे उतारते हैं तो ब्राह्मणों के वोट है वो बट जाते हैं और उस लिहाज से कुछ भी हो सकता है इस सीट पर। लेकिन फिलहाल ये बड़ी अपडेट है कि बृजेंद्र सिंह हैं उनको सोनीपत शिफ्ट किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो अगली सीट है भिवानी, जिस पर पूरी तरह से पेच है, भिवानी में कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सिंह सुरजेवाला वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से श्रुति चौधरी है उसको उम्मीदवार बनाया जाए। और आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि श्रुति चौधरी और किरण चौधरी है वो भी हाईकमान के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि श्रुति चौधरी है उनको ही टिकट दिया जाए। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं कि इस अहीरवाल क्षेत्र में अहीर समाज को टिकट दिया जाए और वो ये कह रहे हैं कि राव दान सिंह हैं उनको टिकट दिया जाए और उनका क्लेम यहाँ पर बनता है, क्योंकि राव दान सिंह हैं वो महेंद्रगढ़ नारनौल क्षेत्र में अच्छा प्रभाव रखते हैं, अहीर हैं, तो उनको जो है टिकट दिया जाए, क्योंकि हमेशा से ही भिवानी के नेता हैं वो इस लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने नारनौल महेंद्रगढ़ है उनको प्राथमिकता नहीं दी। लेकिन फिलहाल जो है भिवानी और हिसार के साथ साथ सोनीपत पे भी कशमकश देखने को मिल रही है, जिसको लेकर के जो है हरियाणा लोकसभा की 9 सीटों को लेकर के कांग्रेस की टिकटें हैं वो अभी डिक्लेयर नहीं हो पा रही। अभी इस समय कुछ और लग सकता है, लेकिन बड़ा अपडेट यही है कि इन 2 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। वहीं बृजेंद्र सिंह को भी सोनीपत शिफ्ट करने की भी तैयारी चल रही है। कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी ये तो एक आने वाला समय बताएगा, लेकिन कांग्रेस में उम्मीदवारों को लेकर के गुटबाजी है वो मैदान में जरूर आ गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।